योगी जी, ये किसके धान की डेयरी है? 2000 रुपए कुंटल के हिसाब से मेरे नाम में लिख दो इसे, 2000 रुपए कुंटल में मैं लेता हूँ। अरे मोदी जी, आप ऐसे कैसे ले लोगे? धान की ढेरी की बोली लगती है, बोली के हिसाब से लेना आप। ये ओवैसी जी की धान की ढेरी है, पूसा बासमती। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा धान की ढेरी उसी की होगी, और बोली की स्टार्टिंग 2000 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से होगी। अरे नहीं होगी जी, 2000 रुपए कुंटल के हिसाब से बोली की स्टार्टिंग मत करो, 2500 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से बोली की स्टार्टिंग करो, क्योंकि ये धान मेरा पूसा बासमती है और खेत में इसमें बहुत लागत आई है, इसीलिए 2500 से स्टार्ट करो। चलो ठीक है, 2500 से बोली स्टार्ट होती है। 2550 में मेरी हुई, 2550 मोदी जी के, 2550 2550 और कोई आगे, 2600 में मेरे नाम में लिख दो। अमित शाह जी, 2600 रुपए प्रति क्विंटल, और कोई आगे, 2620 प्रति क्विंटल मेरे नाम में लिखवा दो योगी जी, 2620 अखिलेश की तरफ से, और कोई आगे, और कोई, 2620 एक। रुको योगी जी, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? 2650 में मेरी हो गई, 2650 लालू जी की तरफ से धान की बोली लग चुकी है, 2601 2602। अरे योगी जी, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? कहीं की बस पकड़ना है क्या तुम्हें? 2680 रुपए प्रति क्विंटल ये धान मेरा हुआ, 2680 रुपए केजरीवाल की तरफ से, और कोई है ऊपर बोरी लगाने वाला? मैं तो सोच ही रहा था ये धान की डेयरी मैं ही लूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं ले पाएगा, 2700 रुपए प्रति क्विंटल मैं लेता हूँ। राहुल की तरफ से 2700 रुपए प्रति क्विंटल धान की ढेरी ये राहुल की होने वाली है, 2700 रुपए एक, 2700 रुपए दो। अरे रुको रुको योगी जी, जल्दबाजी क्यों करती हो? रुको, 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मेरे नाम में लिखवा दो ये। लो भाई 3000, 2700 रुपए से सीधे 3000 की बोली लगाई मोदी जी ने, 100 सुनार की एक लोहार की, 3001 3002 3003 ठीक है, 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये धान की डेयरी उवैसी जी की मोदी जी की हुई। सब मुंह देखते रह गए भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे सिद्धू जी, तुम्हें सरसों का साग बनाने में कितना टाइम लगेगा? तुमने हम सब लोगों को सुबह ही बैठा लिया है यहाँ पर लाके, और अभी तक तुम्हारा सरसों का साग तैयार नहीं हुआ है। सरसों के साग के बाद तुम्हें मक्के की रोटी भी बनाना है। राहुल, तुम सिद्धू जी की हांडी के पास जाके देखो, इनका साग पक भी रहा है या खाली ये बातें बना रहे हैं। देखो भाई मोदी जी, हर जगह गाओगे तुम मेरा राग, आज मैं खिलाऊंगा तुम्हें ऐसा साग। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, थोड़ी देर इंतजार करो, बहुत ही बढ़िया, अपने हाथों से मैं सरसों का साग तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद मक्के की रोटी तैयार करूंगा। क्या बताऊँ मोदी जी, सरसों का साग तो बहुत देर का तैयार हो जाता, लेकिन लकड़ी गीली थी, लकड़ी बड़ा लेट जली। राहुल आके देख लो यहाँ पर करीब आके, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है मेरी हांडी में से। वैसे मोदी जी, मैं ऊपर से ही सूंघ रहा हूँ, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इनकी हांडी में से, बहुत गजब का सरसों का साग तैयार कर रहे हैं ये। अरे वो बात तो ठीक है राहुल, इनके सरसों के साग की खुशबू हम खाट पे बैठे हुए हैं यहाँ तक आ रही है, लेकिन टाइम तो बहुत लगा दिया इन्होंने तैयार करने में सरसों का साग, उसके बाद अभी मक्के की रोटी भी तैयार करेंगे ये सिद्धू जी, ऐसे तो बहुत टाइम लगा देंगे। अरे टाइम लगे लगे, लेकिन मैं इंतजार नहीं करूंगा, इनकी हांडी जैसी उतरेगी सरसों के साग की, मैं मक्के की रोटी का इंतजार नहीं करूंगा, इनका सरसों का साग ही खा लूंगा, इनके सरसों के साग से ही मेरा पेट भर जाएगा। बिल्कुल गलत बात योगी जी, ये तो बिल्कुल तुम गलत बोल रहे हो, हम इतनी दूर पंजाब आए तो यहाँ पर मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने के लिए आए, खाली सरसों का साग खाने से क्या फायदा? अरे मक्के की रोटी सरसों का साग दोनों का साथ होता है। बिल्कुल सही पकड़े हो वैसी जी, तुम बिल्कुल सही पकड़े हो, वो सरसों का साग ही क्या जिसमें मक्के की रोटी का साथ ना हो। अरे योगी जी, जब आ ही गए हो तो आराम से मक्के की रोटी और सरसों का साग दोनों साथ में खा के जाना। अरे कैसी बात करती हो सिद्धू जी, जब यहाँ पर आ गए तो मक्के की रोटी और सरसों का साथ साथ ही में खा के जाएंगे तुम्हारे पास से, चाहे इसे बनाने में तुम्हें अगला दिन क्यों ना लग जाए, लेकिन जाएंगे खा के ही। राहुल देखो, सरसों के साग की हांडी के पास ऐसे मंडरा रहा है जैसे भौरा फूल के पास मंडराता है। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।